दिल्ली से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम, बात हो पाएगी हकीम साहब से? बिल्कुल, बात जी, कीजिए। बात हो रही है। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार गुरु जी। जय हिंद, आपका स्वागत है। बताइए, क्या सवाल है भाई? हाँ, दोनों, एक तो ये सेफ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक तो गुरु जी, ये आज उस दिन जो सवाल किया था ना नमक के बारे में, वही उसमें मैं वो समझ नहीं पाया कौन सा नमक लेना है, काला नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है या डेले वाला लेना है, एक आयोडीन वाला, चार वैरायटी है, इसमें कौन सा नमक सही रहेगा। और एक सवाल ये था गुरु जी, वो मम्मी जी के बारे में पूछा था मैंने आपको, वो जो गर्भाशय के बारे में पूछा था, आप एक वो है, वो समझ नहीं पाया था, मैं लिख नहीं पाया था, आपने क्या बताया था गुरु जी। ठीक। अरे अच्छा, गुरु जी, ये है कि जैसे छाछ है, जैसे आप बताते हो ना ये सिरका बनाना होता है, तो इसमें हम छाछ और तांबा मिला सकते हैं, जैसे और जिस चीज का भी हमें बनाना हो, जैसे पौधे पे डालते हैं तो उसमें छाछ और तांबा मिला देते हैं तो बहुत खट्टा हो जाता है, उसको स्प्रे करते हैं तो उससे सारे कीड़े वगैरह सब मर जाते हैं, तो ठीक एलोवेरा के उसमें ये मिला सकते हैं, जैसे सिरका बनाना होता है आप बताते हो, बन उसको बाल्टी में रख देते हैं, क्या ठीक है ये मिला सकते ठीक हैं, ये सवाल है गुरु जी। और एक ये है कि ये गुलाब जल और फिटकरी का आपने कल जो बताया था नुस्खा टीवी पे शाम को जो बताया था, एक इसके बारे में पूछा है। हाँ ठीक है। अच्छा, देखिए, तांबा नहीं मिला सकते, सिरके में तांबा नहीं मिला सकते। वो बहुत खतरनाक रिएक्शन करता है, और तांबा दरअसल जहरीला होता है। इसको बस किसी भी एसिड में, यानी ना नमक डाल सकते हैं इसमें, ना कुछ और ऐसा एसिड। तांबा उससे रिएक्ट करके जो लिक्विड बनाता है वो जहरीला होता है, तो तांबा तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। और क्या पूछा है? नमक के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, नमकियात तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नमक नहीं बताया। मैं हमेशा नमक जैतून की सिफारिश करता हूँ। नमक जैतून आप लिख लें, नमक जैतून असली लें। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसकी पहचान है। देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है। एक चुटकी दिन में एक बार या दो बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, माता जी को लेके सवाल था, गर्भाशय उनका बाहर आ गया था। हाँ, तो उनके लिए मैंने बताया था, मुझे याद है कि गौन चिलगोजा, चिलगोजे का गौन। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जो जितने दुनिया में ड्राई फ्रूट हैं उनमें सबसे महंगा आता है, और उसका गौन उससे भी महंगा आता है, लेकिन 10-20 रुपए रोज की दवा से ज़्यादा नहीं होता है। बस एक चुटकी गौन चिलगोजा उन्हें खिलाएं, और एक चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है, 2 गिलास पानी मिला के ये पानी पिला दिया कर आपकी माता जी के लिए ये नुस्खा। अगले कॉलर हैं दिल्ली से, मंजू जी, स्वागत है आपका। मैडम आपको नमस्कार, और जी सर को नमस्कार मेरा मैम, आदाब कहिएगा, और मेरे को बात आदर। करनी है हकीम साहब। हाँ सर से बात करनी है, करा दीजिए। मंजू जी, बात हो रही है, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। अच्छा सर, मैं ना बहुत दिन से आपका वेट कर रही हूँ, मैंने ना तिलगोजा गोंद और गोंदिया मंगवाया हुआ है, वो तिलगोजा का जो आपने अंदर की पावर बढ़ने के लिए बोला था ना, तो वो मैंने मंगाया है, और गौनसिया सर दोनों चीजें एज इट इज रखी है, क्योंकि फोन नहीं मिला आपका, नहीं बात हो पाई। और सर मैं ये कह रही हूँ मुझे बहुत तकलीफ है, तो क्या मैं इन दोनों चीजों को एक साथ ले सकती हूँ? मुझे ठीक, स्पॉन्डाइटिस भी है, अस्थमा भी है, वेरिकोज वेन्स वगैरह, मतलब कई प्रॉब्लम है, और एज मेरी 72 है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती है मुझे वैसे भी पहले से। और अब आप बताइए, और एक मेरा बेटा है, दूसरा सवाल ये है, उसकी एज काफी मतलब 50 साल है, और क्या उसको अस्थमे की प्रॉब्लम है, उसने बाई बर्थ एंटीबायोटिक दवाइयाँ ये सब ली है, और नसों में हाथ में दर्द ये सब उसके साथ वीकनेस बहुत ज्यादा है, क्या मैं उसको, पेट की भी प्रॉब्लम है सॉरी, क्या मैं उसको ये सब दे सकती हूँ दवाइयाँ? ठीक है। बहुत सम्मानीय, आप हमारी सीनियर हैं, और बहुत इंतज़ार किया आपका। और कोई भी मेरा इंतज़ार ना करें, और हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन करके मालूम कर लें, वो बता देते हैं। और अक्सर मैं बताता ही हूँ, नहीं तो कोई प्रोग्राम मेरा देख लें यूट्यूब पर। मैं सारी जो आपकी और मेरी बातचीत हो रही है ये भी यूट्यूब पर चली जाएगी, तो यूट्यूब पर हकीम सुलेमान
का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना दो चार नुस्खे मिलते ही रहे। जैसे गौंसिया आपको आधा आधा ग्राम दो बार लेना है, ठीक है, नाश्ते और खाने के पश्चात, कम चर्बी के दूध से या पानी से लें तो ये आपके दर्द के लिए और इन सब के लिए है। कम से कम एक बार, ज़्यादा दो बार आधा आधा ग्राम लेना है। और ये जो चिलगोजे का गौंद है, ये एक एक चुटकी बस पूरे दिन में 24 घंटे में कभी भी एक बार लेना, ये आप इस तरह ले सकते हैं। और क्या सवाल है इनका? बेटे को लेके है, अस्थमा की प्रॉब्लम, पेट नसों में दिक्कत। हाँ, उनको भी नसों के या जोड़ों के दर्द के लिए गौंसिया दो मर्तबा दो बार दे सकते हैं, खाने के बाद, पानी से या कम चर्बी के दूध से। कम चर्बी के दूध से मैं इसलिए बताता हूँ कि 40-50 साल के बाद हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो चर्बी जितनी कम हम लें इतना बेहतर है। और अस्थमा वाकई बहुत बड़ी बात है कि बाई बर्थ है बहुत पहले, आप अभी भी कोशिश कर लीजिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम लें और 130 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं। पीपला मूल आपके किचन में होती है, पीपला मूल 30 ग्राम मिलाएं और 100-100 ग्राम सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, इनका पाउडर बनाकर और इनकी एक एक चम्मच सुबह शाम इन्हें दिया करें। इससे इम्यूनिटी पैदा होती है और ये लगातार 6-7 महीने दें, डॉक्टरों की दवाएं भी साथ में दें, तो उनको इम्यूनिटी बढ़ना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। पहले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब भगिन साहब। जय हिंद, आदाब, स्वागत। बस आपकी दुआ है, आप सुनाए सब, बहुत दिन हो गए थे गुफ्तगू नहीं हुई थी। जी बहुत शुक्रिया, बताएं क्या खिदमत की जाए जनाब की। राहें आसान और दुआ में याद रखें। और ये जो एक नुस्खा जो मतलब बना हुआ तो था मेरे घर में, एक साहब को पूनी पाइल थी, तो वो भाजी वाली पाइल्स वाला नुस्खा उनको अभी अलग बनाना पड़ेगा ना, गोंद मोरिंगा वाला बादी वाली ना। हाँ भाजी वाली का तो तैयार है, मगर वो खूनी है एक साहब को, तो उसके लिए गोंद मोरिंगा वाला नुस्खा बनाना पड़ेगा ना, गोंद मोरिंगा और वो लाजवंती वगैरह, खट्टा सफेद वगैरह। जी 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 सही फरमाया, वही बनाना होगा। हाँ उससे इससे फायदा नहीं होगा उनको ना। हाँ दरअसल खूनी बवासीर अलग चीज है, तो वो नुस्खा बना लें तो आपको फायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है हरियाणा से सुधा जी, स्वागत है आपका। माय नसीहा, आईसीयू के 1000 बन लाएं, आपकी तबीयत कैसी है, कुछ कमजोर से दिख रहे हैं। जी मैं भी बीमार हो गया था। सुधा जी आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। खुदा हम पर बहुत मेहरबान है, उसने हमें आपके शो में बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, हमारा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। कमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकली, तेरी रहम तो का साया, ये कर्म नहीं तो क्या है। क्या बात है यार, वक्त जिक्र करके तेरी रूह में उतर के मेरे दिल को दिल बनाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओफो, क्या शेर कहने लगे आप। जी हाँ, ये सब आपकी बदौलत है, आपने सिखा दिया हमें शेर और शायरी। कई दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी, लगता है बरसों बीत गए, एक दिन आपकी आवाज ना सुनी, लगता है कुछ होश आ गया। आज सुबह का प्रोग्राम देखा, शायरी सुनी, दिल को छू गई, सच में अल्लाह ने सारी खूबियां आप में भर दी। मैंने अपनी जिंदगी में ना तो ऐसा शायर देखा है, ना ऐसा डॉक्टर जो औरों के लिए जीता है। आपने एक के लिए दुआ नहीं की, पूरी दुनिया के लिए दुआ कर दी। बहुत आप क्या है आपको समझना हर किसी के बस की बात है। आज का प्रोग्राम बड़े ध्यान से सुना, आपका शुक्रिया करके आपकी अहमद को कम करना नहीं चाहती, फिर भी कुछ कह रही है। आप सारा दिन हमारी सेवा में लगे रहते हैं, जाहिर है थक जाते हैं, खुश रहिए, बिंदास रहिए, आप सबका ख्याल रखते हैं, कभी अपना भी ख्याल रखिए, कभी अपना भी ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए।
आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही कामना है मेरी। हम आपकी सारी बलाएं ले लें, यही दुआ है मेरी, यही दुआ है मेरी, यही दुआ है मेरी। सुधा जी, आपने पहले मुझे भावुक कर दिया। और चलो, मैं तो अक्सर रोता रहता हूँ, लेकिन ये बच्ची भी नमदीदा हो गई, आँखें इसकी भी भर आई। और आपकी मोहब्बत के आगे हमारे कोई भी लफ्ज़ तुच्छ नज़र आता है। और वाकई आपकी इतनी दुआएं, इतना प्रेम, हम लोग कैसे उसको सहन कर सकेंगे? हम लोग इस लायक नहीं हैं। आपकी दुआ सर आँखों पर, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी और कॉल लेते हैं, आपसे बहुत लंबी बात करते हैं, लेकिन समय आप जानते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। हरियाणा से ही अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, आपका नाम क्या है? हाँ जी मैम, मेरा नाम सुषमा है। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। सुषमा जी आदाब, शुक्रिया, आदाब। हाँ जी नमस्कार जी। मैम पहले तो मैं ये शैलजा मैम की जरा थोड़ी तारीफ करनी है। मैम की ये जो फर्स्ट लाइन होती है ना, मिलकर स्वागत करते हैं अपने सर का, तो ये बहुत लाइन ना मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगती है मैम आपकी। जी शुक्रिया, वाकई बहुत अच्छी। हाँ जी हाँ जी सर, मैं काफी दिन से ट्राई कर रही थी, मेरी बात नहीं हो पा रही थी। तो हाँ जी सर, अभी गुरपुरब भी गए तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके आपसे बात नहीं हो पाई। आपको चरण स्पर्श बोलना था, चरण प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी सर। सर मेरे सवाल है, मैंने अभी पीछे बेटी के बारे में आपसे बात की थी, पीसीओडी के बारे में। तो मैं सर वो जैतून का सिरका, और वो आपने बताया था मेरे को हल्दी और ये मीठा सोडा डाल के देने को, तो सर उसकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है, 20 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन। तो इसके लिए मुझे सर प्लीज प्लीज सर कुछ बताओ। और सर एक और एक बच्ची का थोड़ा सवाल है, भी दवाई के रिएक्शन से ना उसके होंठ काले हो गए हैं सर, इसके लिए भी थोड़ा बताना। और सर बेटी की बहुत चिंता हो रही है मेरे को सर, इस बारे में थोड़ी बताओ सर, इलाज उसका भी प्रॉपर इलाज हो सके इस चीज का। सर ब्लीडिंग नहीं रुक रही सर, इस वजह से मैंने आपके हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन किया था, तो आप सर प्लीज बताओ मेरे को सर, आपका थैंक यू होगा। और मेरे को भी बहुत आराम है आपके सतिस्तान के नुस्खे से, और मेरे बाल भी थोड़े थोड़े मतलब ऐसे लग रहे हैं जैसे काले होने शुरू हो गए हैं सर, मेरे तो सफ़ेद हो गए थे पिछले साल से स्टार्ट हो रखी थी मेरे को। मैं थोड़ा इलाज करती थी पर बीच में मैं छोड़ देती थी, लेकिन इस बार मैंने अप्रैल से आपका ये नुस्खा ले रही हूँ, तो मेरे को 60-70% आराम है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया सुषमा जी आपका बहुत बहुत। और बच्चे की तरफ से मैं भी फिक्र में आ गया, क्योंकि जो नुस्खा मैंने बताया वो अच्छा काम करता है। अभी आप एक काम करें कि वही नुस्खा लें, लेकिन एक चम्मच लाजवंती आती है, एक दवा का नाम, बारीक बारीक दाने होते हैं, रॉ मटेरियल है वो, उन्हें दूध में या पानी में मिला लें और चलाते रहें, वो गांठ ना पड़ने दें, उसके साथ दें रोज़ाना एक बार या दो बार ये नुस्खा, और हमसे जुड़े रहें, और हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दवाइयों का रिएक्शन हुआ है, होंठ काले हो गए हकीम साहब? वहाँ देखिए कुछ दिन बाद जाता है, अगर किसी दवा ने, इंग्लिश दवा ने नुकसान दिया है तो उसको काफ़ी, एक्चुअली खुश्क होती हैं बहुत ज़्यादा, तो होंठ जैसी जगह पर खुश्की आती है, तो मॉइस्चराइज़र लगाएं भी, और मॉइस्चराइज़र जैसी चीज़ें, जैसे आप देखते हैं ना ये राई का तेल, या ये कोकोनट ऑयल खाने वाला, ये एक चम्मच उन्हें पूरे दिन में पिला दिया करें, तो उनके होंठ भी अच्छे होना मुमकिन है। प्रियंका है इंदौर से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार अकीम साहब। जय हिंद प्रियंका, आपका स्वागत है। अकीम साहब मैं गोल्ड किया ले रही थी, उससे मुझे बहुत आराम है।
जी और दूसरा सवाल है मेरा कि मतलब मुझे टॉन्सल है तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। टॉन्सिल्स के? हाँ ठीक है, और कोई सवाल पे इनका? नहीं नहीं तो बेटा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप कोशिश करें, जो मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ उसके कोशिश किया करिए। और जैसे मैंने घरेलू नुस्खा बताया गौन सिया, तो भगवान ने आपको फ़ायदा दिया। ऐसी एक नुस्खा मैं अक्सर बताता हूँ, आप लिख लें और उसे इस्तेमाल करें। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और इलाज की ज़रूरत पड़े, डॉक्टरों का इलाज भी करें लेकिन ऑपरेशन से पहले ये नुस्खे कोशिश कर लिया करें। ये दुनिया के माने हुए नुस्खे रॉ मटेरियल के हैं, आप इसे इस्तेमाल किया करें। देखो वो नुस्खा सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। पीपलें 30 ग्राम, जो पीपला मूल भी कहते हैं ना, ये 30 ग्राम, इनको पाउडर बना लें, अच्छी असली लें ये सब। और ये जो आपका एक एक इसका चम्मच भर के आपको रोज़ाना खाना है। और नमक जैतून लें एक चुटकी, वो गर्म पानी में मिला दें, दो दो गिलास पानी में एक चुटकी मिक्स करके इस पानी से खाया करें रोज़ाना, एक बार या दो बार, सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट और रात को सोते समय। और हमारे साथ जुड़े रहें, आपको जिस नुस्खे से फ़ायदा हो उन्हें उसका फैला दें अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, सबको। उस रोग का कोई रोगी आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उस नुस्खे के बारे में लोगों को बताइए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बहुत दिनों बाद दर्शन देते हैं। स्वागत है आपका जी, गांव गया हुआ था। क्या हो गया सबीर जी? भाई साहब कितने दिनों बाद दर्शन दिए हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ मैं गांव जाता हूँ ना हर महीने 2-4 दिन को, तो वहाँ गया हुआ था, तबीयत तकरीबन अच्छी है। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है भाई साहब, बिल्कुल आपकी कृपा से आप सब ठीक हैं जी। हाँ वीर जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि अब बरसात का मौसम आ गया, हम बच्चों को ऐसा क्या दें जिसे वो ठीक रहे, आप भी ठीक रहे? इम्यूनिटी की जरूरत, रोग प्रतिरोधक क्षमता सब कुछ चाहिए किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो वो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी वाला नुस्खा आपको याद होगा, फिर बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए व्यूवर्स सुन रहे होंगे मेरी बात। 100 ग्राम सपिस्तान, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम उन्नाब खरीदें और 30 ग्राम पीपलें या पीपला मूल, इनको पाउडर बना लें, गुठली निकाल दें उन्नाब की, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें पाउडर बना के। इसकी दो सूरतें हैं, एक तो इसको पाउडर बना लें और इसी तरह एक चम्मच सुबह लिया करें, बस एक बार काफ़ी है। और एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला लें, 2 गिलास, इसको खाएं, या तो इसी तरह सफूफ खा लें इसका पाउडर, या जितना ये पाउडर है उतने ही शहद में इसको मिक्स कर दें तो ये एक माजून बन जाती है जो 3 साल तक ख़राब नहीं होती। तो फिर इसका एक चम्मच खिलाएं। कुछ लोगों को इसका पाउडर पसंद नहीं आएगा, तो जब ये शहद में मिल जाती है तो ये एक चाटन, एक माजून, एक च्यवनप्राश बन जाता है। तो रोगी हो या ना हो खिला दिया करें, एक बार बस काफ़ी है और बहुत अच्छा नुस्खा है पूरे परिवार की सेहत के लिए। और हमेशा खुश रहें आप, मेरी दुआ है। आप बहुत काम करती हैं, बड़ा लोगों की सेवा करती हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक।